अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है वो व्लॉग नहीं है, हम वैसे ही एक यूट्यूबर के बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं। ये हमारी वीडियो इस तरह की हर हफ्ते में एक बार या 10 दिनों में एक बार ज़रूर हम एक जो है यूट्यूबर के बारे में बताया करेंगे। तो आज भी हम एक यूट्यूबर के बारे में बता रहे हैं जिसने अपना जो है फेम हासिल किया है, वो जो बहुत ही जितनी भी उसने जो है कामयाबी हासिल की वो सब कुछ झूठ के सहारे पे रह के की है। तो हम उसको आपको बताएंगे कि वो कौन है, उस जिसका नाम है पायल जॉन। पायल जॉन के बारे में बात करने वाले हैं कि उसकी आप आईडी देखें जाके, उसकी आईडी पे जो है वो उसने बड़े यूट्यूबर पे इल्ज़ाम लगा के और फिर ही अपनी आईडी उसकी चलती है। वो इतना झूठ उसकी जो है यूट्यूब पे, यूट्यूब वीडियोस पे है, जो उसने सौरभ जोशी जो इंडियन व्लॉगर है और निश्चय जिनका ट्रिगर्ड इंसान चैनल है उनके ऊपर और सौरभ जोशी के ऊपर वीडियोस बना के और जो है मशहूर हुई है, और झूठी वीडियोस बना के। एक उसने तो वीडियो यहाँ तक बना दी कि मेरे शायद कैंसर हो गया और उसकी वजह से जो बाल झड़ रहे हैं वो भी सौरभ जोशी की वजह से, तो मैं उसके ऊपर कंप्लेन कराने जा रही हूँ। तो पहले वो ये वीडियो देख लें, एक साइड पे चलेगी वो। गरम दवाइयाँ खाने की वजह से मेरे बाल झड़ रहे हैं क्योंकि दवाइयाँ गर्म होती है, तो सारी गलती सौरभ जोशी की है। गाइस, मैं सौरभ जोशी के ऊपर लीगल एक्शन लेने जा रही हूँ, जल्द से जल्द अभी जाऊंगी मैं पुलिस स्टेशन और उनके अगेंस्ट केस करके आऊंगी और ऐसे ही हालात में जाऊंगी, अपने सर पे कुछ बांधूंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं और इनके थंबनेल भी ऐसे ही होते हैं, किसी में नाक काट दिया और अगली वीडियो में नाक वापस भी आ जाता है, किसी में सर फाड़ दिया और अगली वीडियो में सर ठीक भी हो जाता है, किसी में जो है इनका बाल जो उड़ गए वो सौरभ जोशी की वजह से उड़ गए तो अगली वीडियो में इनके बाल भी वापस आ जाते हैं। तो ये जो है झूठ बोल बोल के, और एक तो हद कर दी कि एक झूठ तो ये बोल दिया इन्होंने कि मैं जो है सौरभ जोशी से मिली हूँ, जबकि वो वीडियो ही फेक है। उसमें आप देखें जब वो खुद बोलती है तो पिछले जो आवाज़ है वो म्यूट कर देती है, उनकी आवाज़ को म्यूट करके बोलती है, किसी के व्लॉग को उठा के और पीछे अपनी आवाज़ लगा के उसने चढ़ाया। और पायल जॉन जो है वो भी एक इंडियन यूट्यूबर है, लेकिन उसने जो जितना भी फेम और जितनी भी वो फेमस हुई है वो सिर्फ यूट्यूब बड़े क्रिएटर को जो है वो इल्ज़ाम लगा के तो मशहूर हुई है। तो आपको वो वीडियो एक क्लिप मैं दिखाता भी हूँ, और आप खुद जो है वो बताएं कि क्या ये असल में सौरभ जोशी से मिली थी, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल फेक है और इसमें इसने सिर्फ अपनी वॉइस ओवर करके अपनी आवाज़ लगा के और किसी के व्लॉग के ऊपर अपनी वीडियो बनाई है। तो आप वो वीडियो भी देख लें, पहुंचूंगी शाम तक पहुंचूंगी, है ना। तो इसलिए एंड यस गाइस, अभी हम लोग इधर आ गए हैं एंड यहाँ पे हम लोग उतरने वाले हैं। हेलो गाइस, कैसा लगा मुझसे मिलके? आप बहुत ज्यादा अच्छा लगा आपसे मिलके, मजा आ गया। और पीयूष को कैसा लगा? सच में अच्छा लगा ना, झूठ तो नहीं बोल रहा। और सुनील भाई को कैसा लगा मुझसे मिलके? आप भी बता दो। और साहिल, आप भी कुछ बोलो, आपको सही। तो जैसा कि आपने ये वीडियो देखी, मतलब पूरा ही जो है ये सारा मामला ही सारा झूठ पे चल रहा है इनका। तो अब थोड़े दिन पहले से ट्रिगर इंसान ने रोस्ट भी किया है और ये 2 साल से तकरीबन इंडियन बड़े यूट्यूबर्स पे, इंडियन के बड़े यूट्यूबर्स पे ये वीडियोस बना के और इसने बहुत सारा फेम हासिल किया और बड़ा ज़्यादा ये मशहूर हुई है। तो सिर्फ इसी वजह से हम इसी तरह की वीडियो हर एक हफ्ते में एक अपलोड करेंगे जो कि एक यूट्यूबर के बारे में हम बताए करेंगे, किसी न किसी एक यूट्यूबर के बारे में, इंडिया का या पाकिस्तान का। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको हर एक यूट्यूबर के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूं, तो उसके लिए हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अगर ये आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।